सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं परवा 2 ब्रिज रेमिडिएशन वर्कबुक इंग्लिश ग्रेड 6 और 7 2022। इसमें हम हल करेंगे असिस्मेंट 6 जो कि पेज नंबर 59 पर हैं। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। असिस्मेंट 6 पहला, रीड दी पैरोग्राफ एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो। पैरोग्राफ को पढ़ें और नीचे प्रश्न दिए गए उनके उत्तर दें। सोरैया साइलेंटली वेंट टू हिज नेबर्स। सोरैया अपने पड़ोसी के वहाँ जा रही थी। ही टोल्ड देम दैट देयर वाज ए थीफ। उन्होंने चोर को बातें करते देखा। मैनी पीपुल गैदर्ड देयर। और वहाँ बहुत सारे आदमी आ गए। दे थॉट देट द वुड कैच दी थीफ। और उन्होंने चोर को पकड़ लिया। एंड टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन ले गए। दे डिसाइड टू ओपन द डोर। और उसने दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया। इसमें प्रश्न है, हु वेंट टू नेबर्स। तो नेबर्स के यहाँ कौन जा रही थी, तो होगा सोरैया। दूसरा है, हुम वुड दे कैच। किसको पकड़ा, तो दी कैच दी थीफ, चोर को पकड़ लिया। तीसरा है, राइट दी अपोजिट ऑफ वर्ड क्लोज फ्रॉम द पैरोग्राफ। क्लोज का हमें अपोजिट लिखना है, तो हो गया ओपन। चौथा है, वेयर वुड दे टेक दी थीफ। पुलिस चोर को पकड़ के कहाँ ले गए, तो बी होगा इसमें राइट, पुलिस स्टेशन। इस पर राइट लगाएं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू कंडक्ट एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर द स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए हेडमास्टर जी को एक एप्लीकेशन लिखें। टू द हेडमास्टर, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, आपके स्कूल का नाम है वो यहाँ लिख दें। सब्जेक्ट हैं एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश यानी मौखिक अंग्रेजी की एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए। सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से देट। सर नम्र निवेदन है कि वी आर वेरी वीक इन स्पोकन। हम सभी स्पोकन इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं। सो वी रिक्वेस्टेड टू यू, हम आपसे निवेदन करते हैं देट कंडक्ट एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश। हमारे स्पोकन इंग्लिश की आप एक्स्ट्रा क्लास लगवाएं। काइंडली ग्रांट और रिक्वेस्ट, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। यूअर्स ओबिडेंटली, और ख़ुद का नाम इधर नीचे आ जाएगा, जितने भी बच्चे लिख रहे हैं उनके नाम, क्लास 6 और 7। थैंकिंग यू, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेम क्वेश्चन यूजिंग वेयर फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। वेयर से हमें कुछ प्रश्न बनाने हैं। वी प्ले इन द प्ले ग्राउंड, वे मैदान में खेल रहे हैं। प्रश्न बनेगा, वेयर आर वी प्ले, वे कहाँ खेल रहे हैं। फुल स्टॉप प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि ये WH से स्टार्ट है। दूसरा है, वेयर आर यू लिव, वे कहाँ। प्रश्न है, आई लिव इन जयपुर, आंसर है ये। इसका प्रश्न बनेगा, वेयर आर यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, प्रश्नवाचक। ये था असिस्मेंट 6 जो पेज नंबर 59 पर है। स्क्रीन पर आपको जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है, उसमें हमने सभी वर्कशीट सभी असिस्मेंट के हल डाल दिए हैं। यहाँ से भी आप सभी के हल एक साथ देख सकते हैं। इसका हल अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।